ATP ranking 137 versus world ranking 27. इन दोनों के बीच में फासला 110 रैंक्स का. लेकिन वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट विच मैटर्स बट द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग विच मैटर्स. शायद इसीलिए अंडरडॉग और इंडिया की शान सुमित नागल ने 35 साल बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में इतिहास रच दिया. हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट और आज की कहानी है सुमित नागल, इंडिया के टेनिस सुपरस्टार की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में वर्ल्ड रैंकिंग 27 अलेक्जेंडर बबलिक को हराकर इतिहास रच दिया है. और ऐसा 35 साल बाद हुआ है जब किसी भारतीय ने ऑस्ट्रेलियन ओपन या किसी भी सिंगल्स ग्रैंड स्लैम में एक सीडेड यानी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया हो. इसके पहले साल 1989 में इंडिया के रमेश कृष्णन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही उस साल के वर्ल्ड नंबर वन और डिफेंडिंग चैंपियन मैट्स विलिंडर को सेकेंड राउंड में हराया था 6-3, 6-2, 7-6 से. और अब 35 साल बाद 26 वर्षीय सुमित नागल, जिनकी एटीपी रैंकिंग है 137, उन्होंने मात दी है वर्ल्ड रैंकिंग 27 अलेक्जेंडर बबलिक को 2 घंटा 38 मिनट लंबे चले फर्स्ट राउंड के मैच में. सुमित नागल ने इस कड़े मुकाबले को अपने नाम किया 6-4, 6-2, 7-6 से. और एंड में तो टाई ब्रेकर तक नौबत आ गई थी, लेकिन अपने लड़के ने बाजी मार ली. और अब सेकेंड राउंड में इंडिया के सुमित नागल की भिड़ंत होगी चाइना के शैंग जुनशेंग से, जो वहां के एक उभरते टेनिस सितारे हैं. लेकिन बॉस, मेरा तो दिल यही कहता है कि सुमित, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है. और आज जो सुमित ने कर दिखाया है उसकी गवाही इतिहास देगा आने वाले कई सालों तक. सितंबर 2023 में नागल के खाते में सिर्फ 80,000 रुपए थे. उन्होंने तब मोरक्को के खिलाफ डेविस कप मुकाबले के बाद कहा था, अगर मेरा बैंक बैलेंस देखें तो 900 यूरो माने 80,000 रुपए बचे हैं. मुझे शीर्ष 100 में पहुंचने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहिए. इस इंटरव्यू के बाद नागल को काफी सपोर्ट मिला था. नागल पैसों की कमी के कारण 2023 सत्र के शुरुआती 3 महीनों में अपने पसंदीदा स्थान पर अभ्यास नहीं कर पाए थे. उनके मित्र सोमदेव देव बर्मन और क्रिस्टोफर मर्क्विस ने जनवरी और फरवरी में उनकी मदद की थी. तो सुमित के इस अचीवमेंट से अगर आप खुश हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा. और अगर आप भी अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहते हैं तो बॉस, ये जो कमेंट सेक्शन है ना, ये आपके लिए ही तो है. मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं रिस्पॉन्ड करने की भी, तो प्लीज इसको खाली मत जाने दीजिएगा. और ऐसे ही चीयर करते रहिएगा हमारे हर इंडियन एथलीट को अक्रॉस ऑल द स्पोर्ट्स. एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट.